गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास बेटा, हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 23, 24, 25 ये हमने कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 26 है ना। तो ये एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा रही हूँ। चैप्टर नंबर 23 हमने लाइव क्लास के टाइम पे नहीं किया था, इसको मैं आपको अभी समझा दूँगी। और 25, 24, 25 एंड 26 मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में समझा दिया था, तो आप लोगों को उसमें से वर्क कम्प्लीट करना है जिसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो देखो, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 23 है वो है एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में है ना। एप्लीकेशन हम लोग कब लिखते हैं? जब हमें किसी भी तरह की कोई ऑफिस से रिलेटेड ऑफिशियल कोई काम रहता है उसमें हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा एप्लीकेशन फॉर लीव, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन लिखी हुई है ये किसके बारे में? एप्लीकेशन फॉर लीव यानी कि छुट्टी लेने के बारे में है ना, कि हमने अपने स्कूल में एप्लीकेशन दिया है कि हमें छुट्टी चाहिए। तो एक तो हम ये पढ़ लेते हैं। आपको कौन सा करना है? आपको ये वाला करना है जो मैंने लिख के दिया है, ये आपको करना है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सिक मतलब बीमार, लीव मतलब छुट्टी, यानी कि आप बीमार हो तो उस बीमारी के लिए आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपने अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखा। तो पहले ये एप्लीकेशन हम रीड करते हैं। द प्रिंसिपल, जब भी आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो पहले द प्रिंसिपल लिखोगे, फिर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है राजस्थान चिल्ड्रंस अकेडमी, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन? क्योंकि हमें छुट्टी चाहिए, इसलिए एप्लीकेशन फॉर लीव। फिर अगर आपके प्रिंसिपल अगर सर हैं तो आप सर लिखोगे, अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल मैम होती तो आप मैम लिखते, ठीक है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी कि मुझे घर पर एक बहुत ज़रूरी काम है, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, इसलिए मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। और आपको डेट बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन से डेट की आपको छुट्टी चाहिए, तो जिस भी डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो डेट आप यहाँ पर लिख दोगे। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, रमेश गुप्ता। अब यहाँ पर तो रमेश गुप्ता लिखा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग सब अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपना अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पर अपनी क्लास लिख देनी है। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको नोटबुक में नहीं करना है, आपको ये वाला करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर होमवर्क लिख दिया है, ये वाला नोटबुक में आपको करना है। तो अब इसमें क्या एप्लीकेशन था, इसमें बीमार होने के लिए छुट्टी लेने के बारे में था। तो वही सबसे पहले द प्रिंसिपल, क्योंकि हम हमेशा सबसे पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे अगर हम स्कूल में लिख रहे हैं एप्लीकेशन। तो फिर है राजस्थान चिल्ड्रंस अकेडमी, अपने स्कूल का नाम लिखना रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके स्कूल का नाम राजस्थान चिल्ड्रंस अकेडमी है, तो यहाँ पर आपने राजस्थान चिल्ड्रंस अकेडमी लिख दिया। फिर आपके स्कूल जयपुर में है तो आप लिखोगे जयपुर राजस्थान। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट कि आप क्यों लिख रहे हो ये एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो आप ये लिखोगे एप्लीकेशन फॉर लीव। फिर यहाँ पर लिखोगे सर, अगर मैम हो तो मैम। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मुझे क्या हो रखा है, मुझे बुखार हो रखी है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। Kindly grant me leave for 2 days, इसलिए मुझे लीव दे दो, छुट्टी दे दो, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अब यहाँ पर एक दिन की छुट्टी थी तो आप एक दिन का डेट लिखोगे, अब क्योंकि अब आप 2 दिन की छुट्टी ले रहे हो तो यहाँ पर आप वो 2 दिन की डेट लिखोगे जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए। जैसे 24 मार्च से आपको 25 मार्च की छुट्टी चाहिए है ना, 2 दिन की चाहिए, तो वो आपने लिख दिया। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, फिर मैंने यहाँ पर आहिल खान लिखा है, आप लोग सब अपना अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, और क्लास फर्स्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को खुद का नाम लिखना है। तो ये हुआ एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन आपको नोटबुक में करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था लाइव क्लास के टाइम पे चैप्टर नंबर 24, क्या था ये चैप्टर, चलिए देखिए, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पैराग्राफ बनाते हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर दे दी गई है और यहाँ पर आपको कुछ हिंट दे दिए गए हैं ना, इसको देखते हुए हमें इसको कंप्लीट करना था, ये जो ब्लैंक है इसको फिल करना था। जैसे कि दिस इज़ अ, तो ये क्या है, ये एक डॉग है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ डॉग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा लड़का था तो हमने क्या लिखा था, आई एम अ स्मॉल बॉय है ना, क्योंकि हम यहाँ माई सेल्फ के बारे में लिख रहे थे, खुद के बारे में लिख रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, हमें जो पिक्चर में दिया गया है हमें उसके बारे में लिखना है, तो हमने लिखा दिस इज़ अ डॉग। फिर अब देखो, इट हैज़ 4, अब इसके 4 क्या है, 4 लेग्स हैं है ना, बाकी सब तो 2 है, सिर्फ 4 है जो लेग्स हैं, तो इसलिए हमने लिखा इट हैज़ 4 लेग्स। फिर यहाँ है इट हैज़ 2 डैश एंड 2 डैश, अब दो दो क्या चीज़ें हैं, इसके पास 2 आईज़ हैं, आँखें हैं 2 और 2 ईयर्स हैं, तो हमने लिखा इट हैज़ 2 आईज़ एंड 2 ब्राउन ईयर्स। इट हैज़ अ कर्व, यानी कि इसमें मुड़ी हुई क्या है इसकी, तो इसकी मुड़ी हुई टेल है ना, पूंछ है, तो इट हैज़ अ कर्व टेल।
इट हैज़ शार्प, इसका नुकीला क्या है, इसके दांत नुकीले होते हैं और इसके नाखून नुकीले होते हैं, तो हमने लिखा इट हैज़ शार्प टीथ एंड नेल्स, टीथ मतलब दांत, नेल्स मतलब नाखून। फिर है इट ईट्स डैश एंड डैश, ये क्या क्या खाता है, तो देखो हमें ऑप्शन में दे रखा है मीट और ब्रेड, इसका मतलब हमें लिखना था मीट एंड ब्रेड। फिर है इट बार्क्स एट, ये भौंकता है, बार्क मतलब भौंकता है, तो किस पे भौंकता है, स्ट्रेंजर्स पे, अजनबियों पे, ठीक है। इट इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये वफादार होते हैं, है ना, वफादार जानवर होते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको काऊ का कंप्लीट करना था, जो मैंने आपको लाइव क्लास के टाइम पर बताया था कि कैसे करते हैं, है ना, तो ये मैंने करवा दिया था, इसकी PDF मिल जाएगी, आप उसमें से करना, है ना। और यहाँ पर इसमें हमने स्टोरी राइटिंग की थी, स्टोरी राइटिंग में हमने क्या किया था, वैसे पूरी स्टोरी लिखी हुई थी, हमें पूरा एज इट इज़ लिखना है, बस क्या चेंज करना था, जैसे यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है फॉक्स की, तो हमें पिक्चर नहीं ड्रॉ करके हमें फॉक्स का नाम लिख देना है, FOX फॉक्स। यहाँ पे क्रो की पिक्चर है तो आपको क्रो की स्पेलिंग लिख देनी है, यहाँ ट्री की पिक्चर है तो आपको ट्री की स्पेलिंग लिख देनी है, तो स्पेलिंग लिख के हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया था, इजी था, है ना। बाकी तो सब कुछ इसमें से देख के लिखना होता है, बस पिक्चर की जगह हमें उसका नेम लिख देना होता है, स्पेलिंग लिख देनी होती है, ठीक है। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं 23, 24, 25 एंड 26, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना और एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें लर्न कर लेना। इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो इन 4 चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय।